बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइट का मसला चल रहा है जी और धड़ाधड़ चल रहा है। अभी भी लाइट गई हुई है, आ गई है जी, वीडियो के दरमियान में भी आ गई है, वीडियो के दरमियान में चली भी जाती है और वीडियो के दरमियान में आ भी जाती है, ये सिस्टम चल रहा है। तो बहरहाल यहाँ पर आपके साथ मैं एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ जो कि एक सऊदी की और एक खात की लड़ाई हुई है जी। ये मुहत्ता पैर के ऊपर जो काम वगैरह करते हैं जी, आपको पता है सऊदी अरेबिया में तमाम तरह खात की हजरात ही होते हैं। तो ये सऊदी था जी, एक उसके साथ किसी चीज़ के ऊपर बहस हो गई है, इन दोनों की अच्छा खासा झगड़ा हुआ है। मैं आपको साथ में कुछ पिक्चर और वीडियो भी अभी इनके चलाकर दिखा देता हूँ। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हाल ही में मैं जद्दा में था, आपके साथ बहुत सी वीडियो लाइव शेयर कर चुका हूँ। तरीक तहलिया के ऊपर हैपर पांडा के बिल्कुल सामने एक भाई, दो खाती भाई थे जो कि सिलेंडर का काम करते थे। सिलेंडर यानी कि गाड़ी के ऊपर लोड किए होते, गली मोहल्लों में बेचते हैं। तो एक गाड़ी वाला सऊदी बुजुर्ग उसके सामने लाकर उसने गाड़ी की खड़ी किया और बुजुर्ग के साथ एक लड़की बैठी हुई थी, वो भी सऊदन थी। तो वो बुजुर्ग नीचे उतर के आया, उसको मारना शुरू कर दिया है उस खारजी को। तो उसको उसने 5-7 थप्पड़ लगा दी गाड़ी के अंदर बैठे हुए, वो डैना के अंदर बैठा हुआ था। उतनी देर में मैं हैपर पांडा से निकल कर आ रखा था, जैसे कि आपके साथ मुख्तलिफ मॉल्स की वीडियो शेयर करता था, और मैं उतनी देर में उसके पास पहुंच गया। तो मैंने उसको सऊदी को बोला कि भाई अल्लाह खली करो यार, जाने तो चलो। वो मुझको आके बोलता इश्तखलंता। मैंने उसको बोला सलाम है, मैं एक तरफ चला गया। मैंने बोला भाई ये इसका दिमाग ख़राब हो गया, मैं इसको समझा रहा हूँ। उतनी देर में ना वो जो गाड़ी में बैठा हुआ था बंदा था, अभी जो मामला आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसने भाई उसको थप्पड़ लगा दिया। जब उसको मारे जा रहा है, उसने उसको आगे से ऐसे मार दिया, वो जो बुजुर्ग था उसके यहाँ पर हल्का सा कट लगा, हल्का सा ब्लड निकला है। तो वो गाड़ी में से जाकर डंडा निकाल कर ले गया है। मैं खड़ा देख रहा हूँ अभी कि इसको समझा तो रखा हूँ, अभी क्या कर सकता हूँ मैं। उतनी देर में मुहत्ता से कुछ बंदे आ गए, तो उस सऊदी को पकड़ा एक तरफ किया, वो खादी को बहरहाल शुरता वगैरह आएगा जो भी बाद में मामला चले। मैं तो फिर वहाँ से चला गया। तो ये जो अभी मैं आपको शायद यहाँ पर पिक्चर वगैरह और कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ साथ में, ये भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मुहत्ता के ऊपर गाड़ी में तेल डालते हुए किसी न किसी चीज़ को लेकर बहस हो गई है। पहले आप देख रहे झगड़ा चल रहा था, उस खादी ने भी आगे से हाथ उठाया, लेकिन ये सऊदी गया गाड़ी से डंडा निकाल कर लाया, डंडे से उसको मारना शुरू कर दिया है। ये गलत तरीका है। हाँ, हाथ से आप एक दूसरे को थप्पड़ वगैरह अगर घूसा वगैरह लग गया तो वो कर समझ, लेकिन डंडे से जाहिर सी बात है नुकसान होगा उस बेचारे का अच्छा खासा। लेकिन सऊदी ने भी है इसमें, ये क्लियर बात है कि मैं मानता हूँ कि सऊदी की साइड ली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि खाजी के साथ नाइंसाफी कीजिए, ऐसा नहीं होगा। इन दोनों में से जिसका भी कसूर होगा उसको भाई फाइन और जेल तो कन्फर्म है।